मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जी, जो आमतौर पे हमें भारी इन्फेक्शन से बचाता है जी, पर कुछ कारणवश ये इम्यून सिस्टम अपने आप ही हमारे शरीर के प्रति अति सक्रिय होके उसे हानि पहुंचाता है। आप एक जनरल पब्लिक के हिसाब से बता सकेंगे कि ऑटोइम्यूनिटी होती क्या है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते क्या है? जी जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि ऑटो इम्यून मतलब क्या, तो अगर हम इन दो वर्ड्स को ब्रेक करें, ऑटो इम्यून मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जी, जो आमतौर पे हमें भारी इन्फेक्शन से बचाता है जी, पर कुछ कारणवश ये इम्यून सिस्टम अपने आप ही हमारे शरीर के प्रति अति सक्रिय होके उसे हानि पहुंचाता है, और वो हानि पहुंचाता है वो एंटीबॉडीज के माध्यम से, जिससे वो शरीर के जो विभिन्न भाग है, चाहे वो जोड़ हो, गुर्दे हो, लंग्स या बॉडी के वेरियस पार्ट्स, उसको वो हानि पहुंचाता है। तो जब ये हानि पहुंचती है, तो जब ऑर्गन डैमेज होती है, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज उसको कहते हैं। और इसके साथ में ये बोलेंगे कि गठिया रोग जो एक चीज आती है उभर के, गठिया रोग में खाली लोग समझते हैं कि जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं, पर गठिया रोग को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो ऑटो इम्यून डिजीज है जी, मतलब वो जोड़ के अलावा शरीर के सारे भागों पर असर करता है। तो इसी लोगों को समझना है कि ऑटो इम्यून डिजीज और गठिया एक जैसा नहीं है जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। गठिया रोग तो हिंदी में समझाने के लिए है, पर एक्चुअली वो जोड़ की बीमारी है, जोड़ के अलावा शरीर के बाकी भागों पर असर करता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो बेसिकली हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है या हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती है और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को खराब करना शुरू कर देती है।